गुल्लू ये कमरे के बाहर जरा ताला तो मार दो। मुझे कुछ भी करके अखिलेश से चाबियां निकालनी होंगी। नींद नहीं आ रही तो ये तकिया उठाइए और कान पर लगाइए, नींद आ जाएगी। रात से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अब बाथरूम में नहाने तक का पानी नहीं है। ये हो क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। मतलब ये सब कुछ पुष्पा का किया था। आई विल एक्सपोज यू और वो भी ब्लू बेटे के सामने। वाटर कनेक्शन ठीक हो गया। हेलो जाओ और पर सुनो, थोड़ा आराम से, पानी छलक रहा है, ठीक है? प्रेमियों को अपने प्रेमी के लिए चांद सितारे तोड़ते हुए देखा था, ये बाल्टी उठाते हुए पहली बार देख रही हूँ। छोड़े जा, जा। काहे छेड़ रही हूँ का? पहले से भंगुरा हुआ है। रे, इस सबेरे सबेरे हम कहानी पहुंचा दी। तुम ही सामने आए, रुको, उसको ऐसे दबाओ मत। ग्लू बेटे, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहिए माम। प्राइवेट में बात करनी है। आप कहिए माम। ग्लू बेटे, ये सडनली सिर्फ सनाया के कमरे का फ्यूज उड़ जाना, सिर्फ उसी के कमरे का वाटर कनेक्शन कट जाना, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? लाइक समथिंग फिशी गोइंग ऑन हियर। कुछ समझे नहीं हूं। क्यों बेटे, मैं नीचे चेक करके आ रही हूँ। सिर्फ सनाया के कमरे का फ्यूज बाहर निकला हुआ था और सिर्फ उसी के कमरे का वाटर कनेक्शन भी बंद था। ये सब अपने आप तो नहीं हो सकता ना माम, ऐसी हरकत करेगा कौन? Like seriously? Of course, पुष्पा, और कौन करेगा ये सब कुछ? अम्मा कहाँ ऐसा करेगी? क्योंकि वो मुझसे जलती है, वो तो चाहती है कि सनाया यहाँ से चली जाए ताकि मेरी पंपकिन का रिश्ता टूट जाए। नहीं माम, देखिए हम मानते हैं कि हमारी अम्मा थोड़ी लड़ाकू है। थोड़ी बहुत लड़ाकू है, लेकिन छोटे के साथ उसकी का दुश्मनी है, वो ऐसा नहीं करेगी। Like seriously, glue बेटी, of course, तुम मेरी बात क्यों मानोगे? लेकिन मैं तुम्हें prove करूँगा, I'll prove it to you. अभी थोड़ी देर में मिस्टर सिंघानिया यहाँ आने वाले, उनके सामने बात करना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सिंघानिया साहब घर पर आ रहे? Yes, that's right. Pumpkin, look who's here, Mr. Singhania. Aiyah, please come in. सर आप? Shut up, you loser. मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूं। पुष्पा जी, लीजिए आपका इनाम। इनाम? कौन खुशी में इनाम दे रहे हो भाई साहब? कमाल करती आप। 15 मिनट पहले तो आपने फोन करके बताया था कि आपने मेरी बेटी का इस घर में जीना मुश्किल कर दिया है। अब वो अपने घर वापस लौटना चाहती है और आप बदले में इनाम चाहते हैं, पैसे? ये लीजिए, आप ही के लिए हैं। देखा ग्लू बेटे, मैंने कहा था ना, सनाया के रूम के लाइट्स और पानी कट के पीछे पुष्पा का ही हाथ निकला। ए, कहाँ बकवास चल रही है? हाँ? अरे ओ भाई साहब, हम आपको कभी फोन नहीं किया और ना ही कौनो इनाम की मांग की है। I don't understand this. आप मना क्यों कर रही हैं? कल भी तो आपने फोन किया था ना, कह रहे थे कि बिजली और पानी काट के सनाया को परेशान करने वाली आप। अम्मा अम्मा, ये गुल्लू हम सच कह रहे हैं, हम कौनो फोन नहीं किए बिठवा। तो कौन फोन कर सकता है?
सिंघानिया साहब, आप एक काम कीजिए, जिस नंबर से आपको फोन आया था ना, आप उस नंबर पे फोन घुमाइए, आपको अभी पता चल जाएगा किसने फोन किया था। yeah, okay. देखा हो गई तसल्ली। पुष्पा का ही फोन है। ए पक पक, काहे चिल्लाई रही हो? हाँ, ये देखो ये हमारा फोन। तो फिर किसका फोन है? को फोन मैंने किया था। My God! अगर तुमने मुझे फोन किया था तो आवाज ऐसे कैसे आ रही थी? ये कॉल मैंने वॉइस मॉड्यूलेटर से किया था, आवाज बदलने के लिए, ताकि आप पहचान ना सके। कल रात को लाइट का फ्यूज भी मैंने ही बंद किया था और आज सुबह पानी का पाइप भी मैंने ही बंद किया था। लोलो, इस ईरावती ने तुम्हारे डैड के साथ मिलकर तुम्हें यहाँ से निकालने की प्लानिंग की थी और इसीलिए तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी और पानी का कनेक्शन काटा था तुम्हें परेशान करने के लिए। But why? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? I'm sure कि इस गेम प्लान के पीछे भी मास्टरमाइंड पुष्पा ही होगी। नहीं नानी बा, मोटी बा को बीच में मत लाइए, उनको तो खबर भी नहीं थी। ये सब मैंने किया है अपनी मर्जी से। अरे पर काहे? ये सनाया जी साहब की का दुश्मनी है? Exactly. अगर दुश्मनी होती ना पांडे जी, तो मैं इस लड़की के बारे में इतना सोचती नहीं। आप जानना चाहते हो मैंने ऐसा क्यों किया? Of course हम जानना चाहते हैं। तो ये सुनो, हमारी खोई दौलत और सनाया दोनों को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज रात को 1 बजे मैं कमरे से निकल जाऊंगी, फिर तुम और सनाया अपनी प्राइवेसी का फायदा उठा लेना। ओके? Sorry, Dad. कैसी माँ हो तुम दबीना? आज तुमने साबित कर दिया तुम केवल एक माँ के नाम पे ना, एक औरत के नाम पे भी कलंक हो। अगर थोड़ी भी शर्म बची हो ना, तो जाके किसी कुएं में डूब मरो। आदित्य, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अखिलेश, तुम मत जाओ। रुक जाइए। थैंक्स अखिलेश। धन्यवाद। अरे काहे का धन्यवाद? काहे का धन्यवाद? काहे का धन्यवाद? अरे हम सिंघानिया साहब को इसलिए रोके क्योंकि उनके हाथ की मार खाने से पहले ये घर के बड़े की हाथ की मार खाना तुम्हारे लिए जरूरी था। अरे कैसा प्रेम है तुम्हारा? अरे महिला की इज्जत करना नहीं आता, वो भी किसकी जो तुमसे प्रेम करती है? अरे शर्म आ रही हमका कि तुम्हारे साथ हमारा खून का रिश्ता है? शर्म आती हमका? अरे हमको क्षमा कर दीजिए सिंघानिया साहब,
आपकी बिटिया की रक्षा नहीं कर पाए, पर ये जो आपका गुनहगार है ना, उसको सजा देने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सूती एक हम, और ऐसा सूती कि कौनू लड़की की इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ ना करे। सूती आप जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। और आदि तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, बट नो, तुम्हें तो सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था। आई हेट यू आदित्य, मुझे अब यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकना है। चलिए डैड। सनाया मेरी बात तो सुनो। सनाया सनाया, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, हड्डियां तोड़ देंगे तुम्हारी हम। क्यों बेटे, प्लीज प्लीज, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कछु नहीं सुनना हमका। अरे किस प्रकार की महिला है आप? हमने आपको अम्मा का दर्जा दिया, लेकिन उस सम्मान के लायक आप है ही नहीं। अरे ये दुनिया में आप पहली महिला होंगी जिसने अपने ही बेटे को इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने के लिए उकसाया होगा। अरे कौन ऐसी हरकत सिद्धि या भूमि बहन के साथ करता तो काबिती हम पर। अरे जवाब दीजिए हम सबका। इस समय हमने छोटे को सिर्फ तमाचा मारा है, लेकिन ऐसी गलीज हरकत ये घर में किसी ने भी की ना, तो हम अपनी अम्मा की कसम खा के कह रहे हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारी हरकत शर्मनाक की नहीं है, माफी के लायक भी नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त क्या करती? अगर पंपकिन की शादी सनाया के साथ नहीं होती तो वो जहर खाकर मर जाता। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे किसी भी तरह सिंघानिया जी की रजामंदी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं खुद की नजरों में गिर चुकी हूँ। मुझे लगता है कि अब हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए, चले जाना चाहिए यहां से, चाहे फिर हमें बाहर जाकर दर दर की ठोकरें क्यों ना खानी पड़े। अब कम ऑन किड्स, लेट्स गो। चल, कम। आज गुल्लू तुम करोगे का ना ही, तुमने केवल उनका प्रेम देखा है, उनके गुस्से को हम जानते हैं। बेहतर यही होगा कि तुम सब अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाओ। अब रुक जाइए नानी बा। आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि आप अपने किए पर शर्मिंदा हो। लेकिन नानी बाप, अगर फिर से कुछ हुआ तो मैं भी आपको रोक नहीं पाऊंगी। जाइए आप सब अपने कमरे में जाइए। मोटी बाप सॉरी, आप वो ऐसे इन सब को जाने Ha 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 ha
मोटी बाप, मुझे तो लगा कि आप मुझसे नाराज होंगी कि मैंने उनको जाने से रोका। एकदम सटीक काम की हो तुम, तुमको पता है। अरे वैसे भी पग पग अपनी दुई दुई जवान लड़कियों को लेकर जाती कहा, और लेकर जाती भी तो भी हम उनकी बच्चियों पर बराबर से ध्यान रखते। आज अगर तुम नहीं होती ना तो गुल्लू के सर पे से ही पिशाचनी का भूत कभी नहीं उतरता। अरे सच कह रहे हम, तुम हमरे और गुल्लू के जीवन में बुली मनोहर का चमत्कार बन के आई हो। धन्यवाद। अरे काहे का धन्यवाद, काहे का धन्यवाद। अखिलेश, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, तो आओ मेरे साथ बैठो। यहाँ क्या है ये क्या है अखिलेश, इतना खून बह रहा है। अरे इन हाथों को तो कट के गिर जाना चाहिए। अरे कितनी निर्दयता से मारा है हमने अपने छोटे भाई को। भूल जाओ सब। अरे कैसे भूल जाए हम, बड़े भाई का कबूतर दर्जा नहीं देगा वो हम कब। अरे बजरंग बली को हम वचन दिए थे परिवार की जिम्मेवारी उठाएंगे, जोड़ कर रखेंगे पूरे परिवार को, पलकों पे संजो के रखेंगे हम। हम हार गए राजी, हार गए हम। अखिलेश बस, तुमने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। आदित्य पे अगर तुम्हारा हाथ उठा है वो बस इसलिए क्योंकि तुम उस पर अपना हक समझते हो। अगर इसे अपनापन नहीं कहते तो किसे कहते हैं? और तुम्हारी नियत तो गलत नहीं थी ना, उसे भले ही आज ये बात समझना है अखिलेश, जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा ना तब वो अपनी खुश नसीबी समझेगा कि उसकी जिंदगी में तुम्हारे जैसा बड़ा भाई है। फिर उसके दिल में तुम्हारे लिए और इस रिश्ते के लिए खुद ब खुद इज्जत आ जाएगी। हिम्मत कैसी उस गवार की मुझ पर हाथ उठाने की, वो भी सनाया के सामने, जो डेड अखिलेश। भाई आप उसे मारने का तो नहीं सोच रहे हो ना? नॉट मी, पर गुंडों से उसकी हड्डियां तो तोड़वा सकता हूं ना। सोचना भी मत, तुम्हारी एक छोटी सी गलती हमें इस घर से बाहर निकाल सकती है। तो मॉम हम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट, बदला हम जरूर लेंगे, लेकिन वार मीठी छुरी बनकर भी तो किया जा सकता है। रिवेंज कैन बी स्वीट यू नो। हम ग्लू बेटे और इरावती के सामने ये जाहिर करेंगे कि हम अपने किए पर बेहद बेहद शर्मिंदा हैं। उनके सामने इतने स्वीट बनेंगे कि वो खुद सिंघानिया को कन्विंस करेंगे तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए। सनाया के साथ तुम्हारी शादी ही हमारा रिवेंज होगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, तुम्हारा फेवरेट अरहर की दाल और चावल। अब देखिए हमको भूख नहीं है। ये तुम्हारे नाक पे क्या है? क्या है? गुस्सा, देखो जैसे गुस्सा बैठा है तुम्हारे नाक पे। कोई बात नहीं, पेट में जब खाना जाएगा ना तब ये पूरा गुस्सा उतर जाएगा। दो खा लो। हीरा जी हमका नहीं खाना, हमका भूख नहीं। ऐसे कैसे मन नहीं है,
और वैसे तो तुम्हें हर दो दो घंटे में भूख लगती रहती है, तो लो खाओ। हम खाए भी तो कैसे खाए, हमारे हाथ पे तो पट्टी लगी है ना। तुम्हारे हाथों में पट्टी लगी है, मेरे तो नहीं ना। मैं खिलाती हूँ। काहे जोर जबरदस्ती कर रही है हमारे साथ, हम कहे ना हमको भूख नहीं, हम मन नहीं खाने का। वो क्या है ना कि बचपन से ही ना मुझे जबरदस्ती करने में ना बड़ा मजा आता है। चुपचाप मुंह बंद करके खा लो, वरना दो थप्पड़ पड़ेंगे। पता है अगर तुम ऐसे खाना वेस्ट करोगे ना तो ये हर एक चावल का दाना भगवान को जाके कंप्लेन करेगा और फिर नर्क में जाने के बाद इन चावल के दानों को अपनी पलकों पे बिठा के तुम्हें आग पे चलना पड़ेगा। अब बहुत मर गई है का? हाँ। थोड़ी दाल थोड़ी ज्यादा मिलाइए ना।